नमस्कार, जो इस चैनल को हमेशा लाइक करते हैं और देखते हैं, मैं विख्यात शनाय दी पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से आज एक स्पेशल कन्वर्सेशन लेके आया हूँ, एक स्पेशल चर्चा लेके आया हूँ सुनील शुक्ला जी से, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं और पर्यावरण दिवस पे इनके साथ हम कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सुनील साहब, जैसे हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, अभी चक्रवात के आने की वजह से जो एयर इंडेक्स क्वालिटी अपना जो 50 से नीचे आ चुका है, अमूमन यहाँ पर अभी लॉकडाउन के टाइम पे 50-80 के बीच में था, और उससे पहले लॉकडाउन से पहले 100-80-88, मतलब आप शुद्ध हवा तो आपको मिल ही नहीं रहा था। इस कोरोना का असर तो बहुत ज़्यादा हुआ, और कोरोना से ज़्यादा जो चक्रवात अभी जो तूफान अभी 2 दिन पहले आया था, उसकी वजह से अचानक से एयर इंडेक्स क्वालिटी घट के कहीं कहीं पर 30-35, कहीं पर 20-25, महापे को छोड़ के महापे में सिर्फ 800 से ऊपर जा रहा है, जहाँ की आप अशुद्ध हवा नहीं ले सकते, या आप उसको बोल सकते हैं कि ये शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। जैसे आज भी हम लोग देख रहे हैं खारघर और पनवेल, नवी मुंबई, ये पूरे एरिया को देखें तो यहाँ पर अब आपको किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या उनसे पूछेंगे कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम आपको सर्दी खांसी एलर्जेटिक प्रोंगेंट ये सब के जो पेशेंट हैं कम हो गए। तो ये जो बदलाव जो हुआ है, अब इसके ऊपर है कि हम लोग उसको इस इन्वायरमेंट को कैसे कंटिन्यू रखें, इस पॉल्यूशन फ्री नवी मुंबई को हम लोग कैसे उसको मेंटेन करें, अब इसके ऊपर एक मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें तो आप भी हैं, और इस मुहिम को हम लोग चालू कर रहे हैं कि अपना जो पॉल्यूशन है इसको हम लोग कंट्रोल करें। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं, कंस्ट्रक्शन उन लोग करें, और उस पर मिनिमम कैसे खर्च से धूल जो उड़ती है उसको कैसे कंट्रोल लेके आया जाए। जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के पास जाएंगे और इंडस्ट्रीज से पूछें कि आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। लोगों की जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है इस मुहिम में, जिसपे जो कचड़े हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से हो, तब जाके आज जो आज सिनेरियो है, ये सिनेरियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज एयर पोल्यूशन जो है, ये वापस से हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जैसे पहले थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी पर्यावरण शुद्ध हो चुका है, ओके, इसका यही एक मूल कारण है जिसके वजह से बच्चे लोग जो बीमार गिरते थे छुट्टियों के दौरान, ओके, बिकॉज अभी छुट्टियां चालू हो गई है और बच्चे लोग ज़्यादातर आपने देखा है कि बीमार गिरते हैं, ओके, सर्दी खांसी ब्रोंकाइटिस अस्थमा ये सारा चीज़ होता है, लेकिन इस वक्त आपने देखा रहेगा कि हॉस्पिटल्स सारे कोरोना पेशेंट्स के द्वारा फुल है, लेकिन फिजिशियंस बंद होने के बावजूद भी कोई बीमार गिर नहीं रहा है और सबका स्वास्थ्य अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल दम, आप जो बोल रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। जो ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम है, अस्थमा के प्रॉब्लम है, वो जनरली होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। अभी आप देखे होंगे कि गाड़ियाँ बहुत ही कम हैं, तो जिसकी वजह से जो नॉइस पोल्यूशन वो भी कम हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो पूरा एक जो एक आंकड़े के हिसाब से 6-7 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से हर साल मरते हैं। कोरोना से तो अभी महाराष्ट्र में 70-75 हज़ार की जो आंकड़ा पहुंच रही भी, और उसमें जो डेथ रेशियो है कम है, 3-3.5, फिर भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से आप पहले का आप आंकड़ा निकालेंगे तो करीब 6 लाख लोग पूरे देश भर में सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से उनको डेथ होता है, जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से शायद मीडिया में भी बहुत ही कम आती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन अपना जो कम होने की वजह से, ये जो अस्थमा है, चाहे जो सर्दी है, एलर्जी है, बच्चों में जो बहुत ज़्यादा तुरंत खांसी तुरंत फीवर, ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि कम से कम हुआ है। और पर्यावरण जो अभी सुधर रहा है या प्योर हो रहा है, ओके, इस वजह से आपने देखा है कि कई पक्षी जो
हमें दिखाई नहीं देते, आम तौर पे दिखाई नहीं देते, वो पक्षियां सब आने लगे हैं शहरों में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा रहेगा कोयल का आगमन हो गया है, बहुत सारे ऐसे पक्षियां हैं जिनका आगमन हुआ है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी कोयल की आवाज और चिड़ियों की आवाज आ रही है। और एक मुझे बोला जाए कि एक शिफ्ट हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, जो पहले कोरोना से पहले का अभी बोल सकते हैं कि काल चेंज हो गया है, अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे? अभी 8 तारीख के बाद धीरे धीरे सब ओपन हो जाएगा और उसके बाद वापस से इंडस्ट्री शुरू होंगी, लोगों का आना जाना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ आप भी देखे होंगे, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों में बदलाव आया है और इस बदलाव की वजह से मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होगा, कुछ हद तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें सबका साथ बहुत ज़रूरी है। आज न्यू बॉम्बे में जो इन्वायरमेंट जो चेंजेस हुए हैं, और सिर्फ न्यू बॉम्बे नहीं पूरे देश में हुआ है, मुंबई में हुआ है, वहाँ पे एरिया में आई डोंट नो कि अभी वहाँ पर क्या ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ पर 800 जो कि बोलता है कि 50 to 80 या फिर 50 तक ही आपका कंडीशन सही है एक नेचुरल एयर के लिए, पॉल्यूशन फ्री जो बोल सकते हैं आप। पुणे में तो 20 तक आ चुका है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर एयर इंडेक्स तो 20 के नीचे भी आ चुके हैं इस चक्रवात की वजह से। तो वहाँ पर सोचते कि प्योर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको कैसे इसी चीज़ को लोग अपनी जो दिनचर्या है जो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर अपना पेड़ लगाने, आजकल घरों में देखिए तो आप बहुत सारे लोग अपना पेड़ लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक पेड़ लगा, अब लोगों में अब जागरूकता आ रही है। अब मुझे लगता है कि इस पे प्रशासन के साथ साथ लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है यदि इस इन्वायरमेंट को रखना बचा के। तो अब आपने भी देखा होगा कि आप भी बहुत जगह जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि कितना क्या क्या चेंजेज आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे भारत में, हमारे देश में फर्स्ट स्टेट जो था कोरोना का वो था केरला, ओके? और आज अगर आप केरला को कंपेयर करेंगे दूसरे अन्य राज्यों के साथ तो केरला में ये जो महामारी है बहुत कम है, यानी बहुत कम है, यानी नेक्स्ट टू जीरो है, ओके? तो आपको क्या लगता है कि केरला में ये पर्यावरण की वजह से या आयुर्वेदिक, उन्होंने पेड़ पहले से ही केरला में बहुत सारे ज़्यादा है, उस वजह से केरला में ये सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत कम आते हैं केरला में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आप यदि आप पूरे आंकड़ा देखेंगे तो जहाँ पर भी कोरोना के सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है तो जो सबसे पॉल्यूटेड जो एरिया थे, जो सिटी थे, वहीं हुए हैं। केरला में आपको पता है कि आयुर्वेदिक का वहाँ बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा वहाँ पर डिमांड भी है, लोग जाते हैं वहाँ पर मसाज कराने के लिए, केरला का आयुर्वेदिक बहुत फेमस है और वहाँ पर इन्वायरमेंट के प्रति लोगों में थोड़ा सा जागरूक हैं। राजनीतिक दृष्टि से तो मैं नहीं बोल सकता कि बिल्कुल एकदम जागरूक है, लेकिन नेचर वहाँ पर प्रकृति ने ही अच्छा दिया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने आयुर्वेदिक चीज़ को उन्होंने एक संरक्षित करके रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है। तो जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो भी सिटी जहाँ पर एयर पोल्यूशन कम था वहाँ पर केस भी कम है, और जिस सिटी में पोल्यूशन पहले से ज़्यादा था, आप दिल्ली देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, आप अहमदाबाद देख लीजिए, आप जो जो सिटी में डेवलपमेंट काम ज़्यादा हो रहे थे, लोग जो इन्वायरमेंट के प्रति उतना ज़्यादा जो जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हो रहा था, आप वहाँ पर केस आप देखिए सबसे ज़्यादा है आज। आपको क्या लगता है कि अभी महाराष्ट्र में ये जो लॉकडाउन है ये 8 तारीख से, ओके, सोमवार से पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाने वाला है, तो इंडस्ट्रीज़ और ये सब चालू होने के बाद आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्रीज़ चालू होने के बाद व्हीकल्स सारी स्कूटर्स कार्स सारे रोड पे आने के बाद, अभी तो बसेस चालू है, ट्रक्स भी सब चालू होने के बाद, आपको क्या लगता है इसका पर्यावरण पे इफ़ेक्ट होने वाला है और कितने हद तक हो सकते हैं? बिल्कुल होगा, और इसी चीज़ के लिए मैं बात कर रहा था कि इसको कैसे मेंटेन करना है, तो अब लोगों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर एक कार से एक आदमी जा रहे थे तब वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि यदि कोई साथ में उस लोकेशन पर कोई और साथ में जा रहे हैं उनको साथ में बैठा के ले जाओ, अब कार पुल का फंडा आएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी आने वाले समय में ज़्यादा डिमांड होगी क्योंकि इसमें सरकार भी काम कर रही है। जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, उनके अंदर भी एक पोल्यूशन को लेकर एक अवेयरनेस करना पड़ेगा कि कैसे आप उसको आप कंट्रोल करें।
दूसरा है कि जैसा बताया कि जब स्टार्ट होगा तो पॉल्यूशन लेवल पर नेचुरल है कि जो आज का सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन यदि हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेचर ने दिखा दिया कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, नहीं तो आने वाले समय में अभी जैसे महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं बरसात होगी, मलेरिया डेंगू जब स्टार्ट होगा तो उस समय शायद स्थिति भयानक भी हो कोरोना को लेकर।